हेलो एवरीवन, आज है 4 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में, क्योंकि भाई साहब कुछ ज़्यादा ही बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें आज देखने को मिल गई। काफ़ी मेजर फॉल विप्रो के शेयर में आज देखने को मिला है। तकरीबन 3% से भी ज़्यादा की गिरावट विप्रो ने दिखाई है। और आज अगर आप देखो तो सिर्फ विप्रो ही नहीं, पूरा IT सेक्टर जो है वो गिरावट दिखाता नजर आया था। चाहे इन्फोसिस की बात करें, 1% का डिक्लाइन, हालांकि गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी थी यहाँ पर, थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पर लौटती नजर आई एंड ऑफ द डे। TCS भी देखो तो तकरीबन 1% की गिरावट, सेम इसका भी हाल था, गिरावट थी मॉर्निंग में, बाद में जब मार्केट क्लोज हुआ थोड़ी बहुत रफ्तार पकड़ी इसने। एम्फासिस की बात करें तो यहाँ पर भी मेजर डिक्लाइन था अभी, मतलब एंड ऑफ द डे भी, हालांकि बीच में और ज़्यादा बड़ी गिरावट थी, एंड ऑफ द डे थोड़ी बहुत रिकवरी इसने दिखाई। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे विप्रो के बारे में कि यहाँ पर क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है, मौके हैं, धोखे हैं, क्या सिनारियो है यहाँ पर। तो देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 519 रुपये का शेयर है विप्रो का, 3% की गिरावट है, और एक महीने में देखो तो अभी भी हालांकि 7% की तेज़ी ज़रूर है। अब देखिए शानदार तेज़ी, 485 से लगातार भागा था, ये 540 पे गया, लेकिन आज मेजर डिक्लाइन है, वरना उससे पहले ये दौड़ ही रहा था। अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये तेज़ी ही दिखा रहा था, गिरावट नहीं थी, दौड़ ही रहा था। हालांकि बीच में 2 दिन लगातार गिरा था, लेकिन फिर से रिकवरी यहाँ पर लौटती हुई नजर आई थी। फिर से यहाँ पर आज मेजर डिक्लाइन यहाँ पर आया है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है यहाँ पर वो भैया US से निकल कर आई। देखो US में जब भी प्रॉब्लम आएगी तो जो बड़ी कंपनीज है, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, SCLTech, एम्फासिस, इन सब की हालत खराब होगी। और आज वजह भी यही थी कि भैया US में जो रिपोर्ट आई है स्लोडाउन को लेकर, उसके चलते निफ्टी IT इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। जो IT के शेयर्स हैं इंडिया के, वो भाई साहब मतलब गिरावट दिखाते नजर आए। अगर आप देखोगे तो निफ्टी IT आज का सबसे बड़ा लूजर था यहाँ पर, और मेजर फॉल था यहाँ पर। और सेक्टर्स लाइक में अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस, TCS, विप्रो में 1 से 3% का डिक्लाइन देखने को मिला था। और उसकी वजह भी ये है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में ट्रेडिंग अ ड्रॉप इन एशियन शेयर्स ऑन रिसर्जेंट वरीज ऑफ स्लो डाउन इन यूनाइटेड स्टेट। US में स्लो डाउन को लेकर भाई सब दिक्कत है। यहाँ पर 3 सितंबर को ऑल द मेजर US इंडाइसेस, जैसे कि S&P 500, नेस्डेक की बात करें, डाउ जोन्स की बात करें, इन सब में गिरावट आई थी। यहाँ पर सब में गिरावट आई थी, और जाहिर सी बात है उसका असर जो है वो इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। अ स्लो ऑफ US इकोनॉमी डेटा इज ड्यू दिस वीक, इंक्लूडिंग रीडिंग ऑन जॉब ओपनिंग, जॉब क्लेम्स एंड क्लोजली वॉच नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट ऑन फ्राइडे। तो जो स्लो डाउन को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही है यहाँ पर, उससे थोड़ी बहुत यहाँ पर परेशानी हो रही है, और यही वजह है कि आज भाई साहब इंडियन IT सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिली। और अगेन सीधा रिलेशन होगा यहाँ पर, अगर US में रिसेशन होगा और US में स्लो डाउन होगा, तो समझ लेना कि भाई साहब सीधा असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अभी हमने जो अगर हम US की भी बात करें, ठीक है, तो जो मेजर टेक जायंट्स है, अल्फाबेट्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उसमें 2 से 4% का ओवरनाइट जो नाइट फॉल है वो हमने देखा। इवन एनविडिया जो है वहाँ पर भी मेजर गिरावट हम देख रहे हैं अभी के टाइम पर। विप्रो में आज 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए, मेजर फॉल भी देखने को मिला। ऑल टाइम हाई 740 रुपये के आसपास का था, बहुत हाई लेवल से गिर कर नीचे भी आया था ये, 400 रुपये से भी नीचे गया था ये। अब रिकवरी भी लौटी ज़रूर, जो कि अच्छी बात है। मार्केट कैप इसका 2,70,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात देखो कोई नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो यहाँ पर। और देखो लॉन्ग टर्म के लिए देखो, अगेन मैं कहूँगी मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली थोड़े बहुत मेजर्स आपको डाउनग्रेड वर्ड्स देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। और कंपनी के बारे में अगर आप देखो तो लास्ट इनसाइडर ट्रांजेक्शन थे उसमें, अगर आप देखो 29 अगस्त को बिकवाली हुई है, ठीक है, तकरीबन 1.5 लाख शेयर बेचे गए हैं यहाँ पर, और हालांकि खरीदे भी गए थे, हालांकि अगेन ESOP के थ्रू खरीदे थे, मतलब ESOP के थ्रू मिले थे, तकरीबन जो शरद चांद थे उनको तकरीबन 39,000 शेयर्स मिले थे। इसके अलावा 29 अगस्त को एक और बिकवाली हुई थी, 1 लाख शेयर बेचे गए थे। तो अलग अलग लोग लगातार बिकवाली कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग लोग यहाँ पर, और लेकिन जो मेजर नंबर्स आप देख रहे हैं वो बिकवाली के ज़्यादा है, 532 रुपये, 531 रुपये पर बिकवाली के ज़्यादा है यहाँ पर। और कंपनी के बारे में अगर आप इनके डिविडेंड को लेकर अगर हम बात करें तो 1 रुपये का डिविडेंड इसने इस साल पे करा है,
1 रुपए का डिविडेंड, बहुत ही कम डिविडेंड पे आउट करता है जनरली। देखो यहाँ पर जिसका भी पैसा जब भी बना है वो कभी भी डिविडेंड के थ्रू नहीं बना है, कभी भी नहीं। यहाँ पर बोनस के थ्रू जनरली पैसा बनता है, क्योंकि ये वो कंपनी है जो कई बार बोनस दे चुकी है, कई बार बोनस दे चुकी है। इसलिए हम कई बार एग्जाम्पल्स भी देखते हैं कि आज से इतना साल पहले अगर विप्रो का इतने शेयर खरीदे होंगे तो आपके पास इतना सारा पैसा होता, ठीक है। कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ चुके हैं, कई बार ऐसी पोस्ट हमारे सामने आ चुकी है, क्योंकि कई बार ये बोनस पे करता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर नेक्स्ट बोनस बहुत जल्दी अनाउंस हो सकता है, बहुत जल्दी। थोड़ी बहुत तेज़ी और यहाँ पर अगर आ जाती है वापस, अगर ये 600 की रेंज में जाएगा, 700 की रेंज में जाएगा, डेफिनेटली आपको बोनस अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। क्योंकि लास्ट 2019 में पे करा था इसने बोनस, तो इस बार भी शायद जनरली पे करना चाहिए बहुत जल्दी, 2024 नहीं लेकिन 25 में पे करना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करेंगे ही करेंगे, शायद ये हो सकता है। और जहाँ तक बात करें विप्रो में भी, तो देखो वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो महंगा तो नहीं है, इसका जो पी रेशियो 25 से भी कम का है, सेक्टर पी 36 का है, तो सस्ता डेफिनेटली आप इसको कह सकते हो। 21% एनालिस्ट जो है वो यहाँ पर खरीदारी की बात कर रहे हैं। और कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के कुछ फाइनेंशियल्स पे अगर हम नज़र करेंगे तो भाई साहब ठीक ठाक है, उतने ख़राब मैं नहीं कहूँगा लेकिन उतने अच्छे भी नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है। 22,690 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो कि लगातार गिर रहे हैं इनके रेवेन्यू, जबकि प्रॉफिट 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था, जो कि अच्छा था। प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, मार्जिन इनके अच्छे हुए हैं, लेकिन रेवेन्यू में जो डिक्लाइन आया है वो पिछले साल के मुकाबले भी कम है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 23,470 करोड़ के थे। अब देखो लगातार रेवेन्यू किस तरीके से यहाँ पर गिर रहा है, लगातार गिरा है। इवन इससे पहले के मार्च के 22,860 करोड़ के मुकाबले भी कम हुआ था इनका रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कम है इनका। मार्जिन थोड़े बहुत अच्छे ज़रूर हुए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट ठीक ठाक मैं कहूँगा, कोई इतना अफलातून नहीं है ये। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 72.82% के आसपास की है, एक भी शेयर गिरी नहीं, अच्छी बात है ये। इंस्टीट्यूशन में म्यूचुअल फंड 3.50% पर है, 4.75% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 9.44% FIIs लेकर बैठे हुए हैं, रिटेल और अदर के मिलाकर 9.49% की होल्डिंग है, जिनमें से 4.38% रिटेल इन्वेस्टर के पास है, बाकी के 5.11% जो है वो अदर पार्टीज लेकर बैठे हुए हैं। तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कोई ख़राब मैं नहीं कहूँगा इसको। और लेकिन अभी जिस तरीके से ग्राफ है, बड़ी रफ्तार और अभी गिरावट आई है, कुछ दिन और गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगेन मैं कहूँगा कि मुझे कंपनी पसंद है। अगर आप इसे ग्राफ देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 380 पे जाने के बाद बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, 550 पे गया था, वापस गिर कर आया था 400 रुपये, मतलब 435 पर, फिर तेज़ी पकड़ी थी इसने और वापस गया था 575 पे, बड़ी रफ्तार थी और लगातार भागा था, बाद में उतने ही मेजर फॉल आए यहाँ पर और वापस 485 पर आ गया, फिर वापस तेज़ी पकड़ कर 540 पे गया, वापस गिरावट आई है, कुछ दिन और गिरावट रहेगी, 500 रुपये के नीचे जाएगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए इसको, तकरीबन 480 से 490 रुपये की रेंज में, ये मेरा मानना है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, तो खरीदारी करी है तो बनी रही है, फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, शॉर्ट टर्म के मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आनी चाहिए और तब जाकर मौके बन सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।